ये हमारे घर आते थे, हमारे फैंस और ट्यूबलाइट्स, मोटर वगैरह खराब होती थी। जब मैं चाय देने के लिए गई ना, तो इन्होंने मुझे देखा, शायद इन्होंने पहले से ही नज़र रखी हुई थी। तो इन्होंने मुझे देखा, देखते ही इन्होंने मुझे कहा आप मुझे अच्छी लगती हो और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो तुसी क्या नहीं कि ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन ते मालकन नु प्रपोजल? उस वक्त मेरे कानों में से धुएं बिल्कुल निकल रहे थे, इनकी आंखों में से खून निकल रहा था कि अब या तो ये कोई आर पार लड़ाई हो जाएगी या इनके भाई और बाबा आएंगे और मुझे मार मार के निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़ुलैखा नासिर एंड यू आर वाचिंग डिजिटल रंग। आज हम जिस कपल के साथ मौजूद हैं वो बहुत ही यूनिक कपल है, बहुत ही क्यूट कपल है। इनकी कहानी कुछ ये है कि मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि जो ये प्लास मेरे हाथ में मौजूद है, इस प्लास की जो कहानी है इनकी ज़िंदगी में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये वो प्लास है जिसने बिजली की तारें ही नहीं जोड़ी बल्कि इनकी ज़िंदगी की तारें भी जोड़ दी हैं। हमारे साथ मौजूद है साइमा और मंसूर साहब। इनकी कहानी कुछ यूँ है कि जो मंसूर साहब थे वो इलेक्ट्रीशियन थे और वो आया करते थे साइमा के घर, और जब उन्होंने साइमा को देखा, जो कि आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, तो उनके जो दिल के तार हैं वो जुड़ गए साइमा के साथ और साइमा को उन्होंने कर दिया प्रपोज करने के बाद साइमा को आया गुस्सा और उनका दिल तो किया होगा कि इसी प्लास के साथ जो है वो तारे काट दें, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह की करनी यूं हुई कि इसी प्लास ने उनके दिल की तारे जो है इतनी मजबूती से जोड़ दी कि वो शादी के बंधन में बंध गए। हम आगे चलते हैं और हम साइमा मंसूर साहब से बात करते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं ये मीठी सी कहानी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे ये तार दिल के जुड़ गए और कैसे आपकी शादी हो गई? आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा तो मुझे बहुत आया था। इस तरह से था ना कि ये हमारे घर आते थे, हमारे फैंस और ट्यूबलाइट्स, मोटर वगैरह ख़राब होती थी तो ये ठीक करने आया करते थे। तो एक दिन इस तरह से हुआ कि हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो वैसे तो मेरी जो मदर हैं वो किसी के सामने ऐसे जाने नहीं देती, तो कुछ ऐसा सीन बना, वो थोड़ी सी बिजी थी, चाय बनी तो उन्होंने मुझे कहा ये आप ना सर्व कर दें। तो जब मैं चाय देने के लिए गई ना, तो इन्होंने मुझे देखा, शायद इन्होंने पहले से ही नज़र रखी हुई थी। तो इन्होंने मुझे देखा, देखते ही इन्होंने मुझे कहा आप मुझे अच्छी लगती हो और देखते ही कह दिया कि आप अच्छी, हाँ जी अच्छी लगती हो और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा ये एकदम से ही शादी वाली, पहले अच्छी लगने वाली बात और उसके बाद शादी वाली बात भी एकदम कर दी। तो आपको इस बात पे गुस्सा आया कि इन्होंने थोड़ा टाइम क्यों नहीं लिया, पहले ही शादी की बात कर दी, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते? हाँ जी, काफ़ी गुस्सा आया मुझे कि एकदम से शादी वाली बात कर दी है। तो मेरे हाथ में चाय का कप था, तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरा दिल कर रहा था कि वही जो गरम गरम चाय है ना वो बस नहीं, इनके ऊपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे लग रहा था बस इधर ही कप गिराऊं और चली जाऊं। अच्छा। तो उसके बाद फिर इनको पता लग गया था कि इनको गुस्सा आ गया है, मैं कुछ बोली नहीं थी और मैंने चाय भी इस तरीके से रखी थी कि बस गिराने वाला हिसाब ही। तो इन्होंने अपने सारे औजार जो जल्दी जल्दी डाले होंगे अंदर, ये ना हो कि इसी से मेरी पिटाई कर। नहीं, ये उस दिन सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, हमारे घर का कुछ भी, ये शायद फ़ैन ठीक कर रहे थे तो वो ठीक नहीं करके गए थे, इनको भी टेंशन हुई। फिर नेक्स्ट डे इन्होंने अपनी मदर को भेजा और इनकी मदर रिश्ता लेकर आई हमारे घर, और उसके बाद मेरी जो मदर थी उनको भी, उन्होंने भी इनकार किया, मेरे फादर भी नहीं एग्री थे इस बात पे। फिर इसके बाद इन्होंने 3-4 चक्रों में काफ़ी लोगों को भेजा और 4-5 दफ़ा इन्होंने ना अपना रिश्ता भेजा। हाँ जी, तो लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ पड़ी हमारे इस शादी में, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर हो गई। तो तुसी क्या नहीं कि ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन ते मालकन नू प्रपोजल है की करता इन्हें? हाँ जी, बिल्कुल दिल में ख्याल आया था ऐसा, लेकिन उसके बाद बस समझ बंद हो गई थी ना, समझ नहीं आई कि ये क्या चल रहा है, किस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है। तुसी क्या कि नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल ते पेंसिल तोड़ छड़ी, बस कुछ ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जो लोग कहते हैं ना कि हमें शादी के लिए जी टाइम चाहिए तो 1 साल समझने में चाहिए, तो हम लोग अभी थोड़ा सा रुक जाएं, तो अम्मी नहीं मान रही, तो अब्बू नहीं मान रहे, तो मेरी तरफ से बहुत ही खूबसूरत सी और प्यार भरी लानत है उन लोगों पर। और इस कपल को देख के कुछ सबक हासिल करें कि इस कपल जैसे कपल और इन जैसे मंसूर साहब जैसे लोग भी अभी इस दुनिया में हैं कि जो फ़ौरन से जो है रिश्ता भेज कर और जो है निकाह के बंधन में बंध जाते हैं और सोचते नहीं है, ये होती है असल मोहब्बत और ये होता है असल इश्क। तो अब मुझे ये बताएं मंसूर साहब, आपने क्या सोच के, आपको ये नहीं सोच दिमाग में आई कि कहीं ये पलास से ही जो है वो मेरा पेच ना कस दें? मैंने इनके साथ ना, मतलब इनका जो घर है
वो जहाँ जिस शॉप पे मैं काम करता था उसी मोहल्ले में इनका घर था, तो मोस्टली इनके घर में हमारा आना जाना किसी ना किसी फॉल्ट की वजह से कभी कभी कोई पर्दा लगाने के लिए, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए हो जाता था, कुछ साल छः महीने में दो एक चक्कर इस तरह से। तो मैंने इनको एक मरतबा देखा बाय द वे, तो मुझे ये अच्छी लगी। फिर जब इनके घर गए तो मैंने देखा कि इनको मैंने देखा है, तो फिर वो एक कशिश थी इनकी तरफ, वो मुसलसल बढ़ती चलेगी। एक मरतबा मुझे जब ये वाक़या सारा हुआ, जब इनको मैंने ऑफिशली प्रपोज़ किया, तो बहुत रश था इनके घर में। मैंने सोचा, मैंने कहा ये मौका अच्छा है, मुझे मार पड़ने के चांसेस बड़े कम है कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ, इनको पूछ सकता हूँ कि इनका मेरे प्रपोजल के बारे में क्या ख्याल है। मैंने इनको कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मतलब उस वक़्त मेरे कानों में से धुएँ बिल्कुल निकल रहे थे, इनकी आंखों में से खून निकल रहा था कि अब या तो ये कोई आर पार लड़ाई हो जाएगी या इनके भाई और बाबा आएंगे और मुझे मार मार के निकाल देंगे। लेकिन इन्होंने बड़े बर्दाश्त का मुजाहरा किया, चाय भी मेरे ऊपर नहीं फेंकी, रख के फेंक के चले गई। उसके बाद मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि लेकिन मेरे दिल में एक बात मुझे ख्याल था कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने इनको कुछ ऐसा नहीं बोला कि खाने पे चलें, डिनर पे चलें, डेट पे चलें, कुछ ऐसे घुमाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था कुछ ऐसा सिलसिला करने के लिए। तो मैंने एक चीज़ सोची थी, ये नेक हैं, पारसा हैं, इनसे शादी करनी चाहिए, इनको जैसे टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो बात आके घर अपनी वालदा को बताई, वालदा कहती है ख्याल करो क्या बात कर रहे हो, काम करने जाते हो, इस तरह काम करने जाते हो। मैंने कहा नहीं, मैं गलत काम कोई नहीं करना चाहता, मैं शादी करना चाहता हूँ, आप ही मेरी शादी करवाना चाहते हैं, किसी से करवाना चाहते हैं, इनसे जाके पूछ लें, शायद मान जाए वो लोग। तो काफ़ी दगदगो के बाद अल्लाह ताला ने इनको मेरी जोड़ी में डाल दिया और इनकी बरकत से मेरे घर में बरकत आई, रिजक में बरकत मिली, रोज़ी में बरकत मिली। निकाह का सोचा था अल्लाह ने वो करवाया और उसमें वो बरकत होती है और फिर सारी चीज़ें बाबरकत होती चली गई। मुझे बताइएगा साइमा की ज़िंदगी अब कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी माशाल्लाह से ज़िंदगी गुजर रही है, इन्होंने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है, जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी उस मेरी सोच से भी ज़्यादा इन्होंने मुझे खुश रखा हुआ है। अच्छा साइमा मुझे बताएं आजकल क्या मसरूफियात? आजकल बस हमारा व्लॉगिंग चैनल है हम लोगों ने खोला हुआ है, बहुत ज़बरदस्त हम व्लॉग्स डालते हैं, किस नाम से? साइमा मंसूर व्लॉग्स के नाम से, अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, जो भी हम लोग डेली रूटीन में कर रहे होते हैं वो सब अपने चैनल में शेयर करते हैं, बस आजकल मेरी यही मसरूफियात है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, जहाँ पे हमारी जो लड़कियाँ हैं आजकल की वो कहती हैं कि जी हमें जो बंदा चाहिए वो बहुत ही पैसे वाला हो, उसके पास बड़ी सी गाड़ी हो, उनके ख्वाब जो हैं देखने चाहिए, ख्वाब मैं ये नहीं कहती नहीं देखने चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा ऊँचे ख्वाब कि आप उन ख्वाबों को पूरा ना कर सकें। तो आप मुझे ये बताएं, आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि भाई मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ तो मुझे भी एक इतने अमीर घर में जाना चाहिए? कि मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछ रही हूँ ताकि हमारी जो लड़कियाँ हैं उन तक ये मैसेज जाए। मेरे जहन में ऐसे तो कोई पहले भी ख्याल नहीं आता था, मेरी कॉलेज में फ्रेंड्स इस तरह से बातें करती थी, मैं सुन लेती थी, लेकिन मेरा बिलीव इस चीज़ पर है कि आपकी जो किस्मत है ना वो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने पहले से लिख दी होती है, अगर आपकी किस्मत में ये सब कुछ हुआ तो आपको ज़रूर मिलेगा और अगर नहीं है तो आपको किसी सूरत नहीं मिल सकता, मेरा बस इस चीज़ पे बिलीव है। और ये है भी, जब इनके साथ मेरी शादी हुई थी तो इनके पास मतलब ये इतने स्टेबल नहीं थे, और आज इनके साथ मेरी शादी हो गई है और माशाल्लाह से आज, पहले ये किसी की शॉप पर काम करते थे और आज इनके अंडर लेबर काम कर रही हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा भी है और अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम लोग ये सोच लें कि अल्लाह पाक ने जितना दिया है हमें उसी में खुश रहना है और अल्लाह पाक ने जो लिख दिया है हमारी ज़िंदगी के लिए वो सबसे बेहतरीन है, तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून में गुजरेगी और खुश गुजरेगी। अपनी होस्ट को यहाँ पर दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी, अल्लाह हाफिज़।